हेलो गाइस, स्वागत करता है आपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी सुपरवाइजर के जो फॉर्म एडिट हो रहे हैं उसमें क्या क्या आप एडिट कर पाओगे, वो कैसे आपको एडिट करने हैं, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे लगातार कि जो फॉर्म एडिट का ऑप्शन कब तक आएगा, तो फाइनली यहाँ पे जेकेएसएसबी की तरफ से फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आपको दे दिया गया है। आपको एडिट कैसे करना है, आपको जेकेएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkssbnic.in पे आना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे देन आपको यहाँ पे जो क्लिक करना है लॉग इन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉग इन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ओल्ड लॉग इन का, एक मिलेगा अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट का। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट को यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। यूजर नेम आपकी ईमेल पे आया होगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी तब आपको रिसीव हुआ होगा। यूजर नेम अलग है और एप्लीकेशन नंबर अलग है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। यूजर नेम आपको जो जब आपने रजिस्ट्रेशन की उस टाइम आपको मिला होगा, एप्लीकेशन नंबर जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया होगा उस टाइम आपको मिला होगा। तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, ठीक है, 19 से जो स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना है, पासवर्ड जो आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने जो पासवर्ड अपना सेट किया होगा वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड यहाँ पे भूल चुके हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पासवर्ड को यहाँ पे जो फॉरगेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे देन आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे ये वाला कैप्चा डालना है, देन लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आगे आप हम पहले लॉगिन कर लेते हैं इसको, फिर आपको आगे से आप यहाँ पे लॉगिन करोगे देन आपको जो है वो इस टाइप की यहाँ पे जो विंडो शो हो जाएगी, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन नंबर, पोस्ट, एप्लीकेशन नंबर, फी स्टेटस यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा एड विंडो का, तो ये वाला ऑप्शन आपको जो है वो 12 फेब 2024 को ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके अपने जो है वो डिटेल को एडिट कर पाओगे। आपको जो अपनी डिटेल है जैसे मैं आपको बता दूं, नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई आपकी, डेट ऑफ बर्थ हो गई, देन आपकी कैटेगरी होगी एंड आइटम नंबर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो चीज आप एडिट नहीं कर पाओगे। बाकी जो भी डिटेल आपने यहाँ पे डाली हुई है, फादर नेम यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, मदर नेम एडिट कर सकते हो, बाकी अपनी क्वालिफिकेशन एडिट कर सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया था जब उन्होंने फॉर्म भरा था, तो जो सोशियोलॉजी का यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिला था, तो वो स्टूडेंट्स भी अपना फॉर्म जो होगा यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। आपको वहां पे सोशियोलॉजी यहाँ पे एड कर देना है, ठीक है। और जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे आप एडिट पे यहाँ पे जो है वो एडिट कर पाओगे, अपना फॉर्म एडिट करके आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। और एडिट करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता जो है वो आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही जो पहले अपनी इस डिटेल को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को भी सही कर लीजिएगा, जैसे आपने पर्सनल डिटेल में कोई भी आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल डिटेल में आपने यहाँ पे मदर नेम गलत किया तो यहाँ पे पहले सही कर लीजिएगा पर्सनल डिटेल पे क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा नहीं सकता है क्योंकि किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल पे भी आप कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे भी आपने जो डिटेल्स को सही कर सकते हो, ठीक है। ये आप जो है वो एडिट से पहले भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन आपका जो फॉर्म है सबमिटेड फॉर्म है उसकी यहाँ पे जो है वो एडिट विंडो बाद में ओपन होगी 12 को, तब आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। बाकी और भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज चल रही है एडिट फॉर्म के रिगार्डिंग या सुपरवाइजर फॉर्म के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे जो कमेंट्स कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको जो है वो पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, आपकी जो है वो पूरी हेल्प की जाएगी। आज की शॉर्ट वीडियो में यही अपडेट देनी थी आपको। आपको जो है वो 12 से लेकर 16 तक टाइम दिया गया है फॉर्म एडिट करने का। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की हुई है जो मैंने आपको बताया, जो चीज आप एडिट नहीं कर सकते उसके अलावा आपने कोई भी मिस्टेक की हुई है तो आप यहाँ पे फॉर्म को एडिट कर लें। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।